हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा लड्डू, जिसे हम सूजी लड्डू भी बोलते हैं। रवा लड्डू बहुत ही आसान है बनाना। चलिए देख लेते हैं ये इजी वाला रवा लड्डू हम कैसे बनाएं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम रवा, हाफ कोकोनट, 250 ग्राम रॉक शुगर कैंडी, थोड़े से काले मिर्च और 4 इलायची, 1/4 कप घी हमें चाहिए। रॉक शुगर कैंडी हम चीनी को रिप्लेस करके ले रहे हैं। आपको अगर नहीं है तो आप चीनी ले सकते हैं। कंपेयरिंग टू चीनी, रॉक शुगर कैंडी थोड़ा अच्छा होता है, सो इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया है और मेरा रॉक शुगर कैंडी को मैंने पाउडर कर लिया है, और ये काले मिर्च एंड इलायची जो था मेरा उसको मैंने पाउडर कर लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दूध, 1/4 कप घी और थोड़े से कैशू। अभी कढ़ाई गरम करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे 1/4 कप का आधा मैंने घी यहाँ डाला है और सूजी डाल दे रही हूँ। अब हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। हम इसे 5-10 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। हमें ये देखना है कि सूजी ब्राउन नहीं होना है। मेरा सूजी यहाँ पे फ्राई हो गया है तो मैं उसे निकाल दे रही हूँ। अब कढ़ाई में और बचा हुआ घी डाल के हम कैश्यूज अपना फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा कैश्यूज फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। उसी कढ़ाई में हम अभी उसमें कोकोनट डाल देते हैं। सो जो ग्रेट करा हुआ कोकोनट था हम उसमें डाल देते हैं, और इसमें डाल देते हैं हमारा रॉक शुगर कैंडी। इसकी जगह हम चीनी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम रखना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, ताकि इस ये चीनी और रॉक शुगर कैंडी जो भी आपने डाला होगा वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे 2 स्पून दूध डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे गैस को मीडियम फ्लेम में रख के ही हमें इसे कुक करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि रॉक शुगर कैंडी जो है अच्छे से वो मेल्ट हो जाए, और नारियल और रॉक शुगर कैंडी अपने मिक्स हो के ऐसे थोड़ा सा पानी निकलने लगे उसमें। और अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ मेरे काले मिर्च और इलायची का पाउडर, और बचा हुआ जो मेरे पाउडर हो गया था कैशू और किशमिश, जो भी अगर आपके पास है एक्स्ट्रा तो आप उसको डाल सकते हैं। अभी हमें ये देखना है कि धागा नहीं बने, बट ये अच्छे से स्टिकी हो जाए। अच्छे से स्टिकी होने के बाद हमें वहाँ पे डालना है सूजी। मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ। अब डाल के अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा नारियल और सारी चीज़ें सूजी वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इस स्टेज में हमें डालना है थोड़ा सा दूध, ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है और अच्छे से बाइंड हो जाए। मैंने यहाँ पे 2-3 स्पून डाला है। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमें लड्डू का गोल बनाने के लिए ये हेल्प करता है, ये जो दूध है। तो अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। अभी हम गैस को बंद कर देंगे इस स्टेज में, और बाहर निकाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथ में घी लेके हम छोटे छोटे गोल इस तरह बना लेंगे, और हमारे सारे लड्डू मैं यहाँ पे रेडी कर ले रही हूँ। उसको थोड़ा सा अच्छे से दबा के बनाना पड़ेगा, और राउंड शेप में आपको बनाना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। सो अगर ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए मिक्सचर, तो इस स्टेज में आप थोड़ा सा दूध डाल के फिर से मिक्स करके फिर से लड्डू का गोल बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छा लगा तो अभी जाइए, सूजी चीनी घर में तो सब कुछ अवेलेबल होता है, ये रवा लड्डू बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। लग रहा है ना एक लड्डू यहाँ से लेके खाने के लिए,
तो अभी जाइए और बनाना शुरू करिए। थैंक यू।